भैया आज हम लोग का स्ट्राइक का दूसरा दिन है। हम लोग का भैया मेन मुद्दा ये रोज कमाने खाने वाले इंसान है भाई, 300-400 रुपए रोज कमाते हैं। बताइए 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना कर दिए, कैसे काम चाहिए? इतना का हम लोग के पास होता भाई तो गाड़ी थोड़ी ना चलाते भाई। कौन कौन इसमें कंप्लेंट है, कितना सौ रुपये इसमें सभी लाइन के ड्राइवर लोग सम्मिलित है। खाली ड्राइवरी नहीं, और भी नौकरी है। मोदी सरकार 10 साल की सजा क्या है, और 20 साल सजा बढ़ाना चाहिए, 20 लाख जुर्माना करिए। लेकिन हम लोग का कोई जरूरत ही नहीं है ड्राइवरी करने का, अपना घर में रहेंगे और कोई काम कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। कोई खटने के बाद भी तनख्वाह देते हैं, कोई नहीं देते हैं। एक तो मजबूर फुर्सत में फालतू का मेहनत करते हैं, रात दिन 24 घंटा चार्जशीट लगा हुआ रहते हुए भी जानबूझ के देंगे अब। और जानबूझ के 20 लाख 10 लाख रुपए कहाँ से लाए? 10 हजार का ठिकाना ही नहीं है। अब मोदी सरकार के लिए और अमित शाह के लिए घर में हवाई जहाज में खाना आएगा, वो बोलिए। हाँ, अमित शाह आपको जहाज जहाज उसका घर जहाज से खाना देगा। अगर किसी का कुछ होता है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए। चोराई ठीक के चलते ड्राइवरी छोड़ दिया, यहाँ मालिक लोग खटा के तनख्वाह देने में इनकार कर दिया, तो हम अभी मिट्टी काट रहे हैं। 73 साल उम्र हो रहा है मेरा, लेकिन हम मिट्टी काट के अपना साग सब्जी करके अपना किसी तरह से रोजी रोटी कर रहे हैं। ड्राइवरी छोड़ दिए हैं, और नहीं तो लाइसेंस अभी मेरा पास मौजूद है, आप चाहे तो दिखा देंगे। हाँ, आप ये कानून आपस ले लें। कानून तो आपस लेना ही होगा, एक्सीडेंट एक्सीडेंट है, कोई मालिक है, करोड़पति है, लाखपति है, आप मोदी जी हैं, आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, और चलाइएगा तो आप भी तो वही चक्कर में फंस जाइएगा। आपको कोई छोड़ देगा? 10 लाख आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी 10 लाख देना पड़ेगा। गाड़ी चलाइए फिर मजा समझिएगा। हाँ, कैसा ड्राइवर का जिंदगी होता है सो देखिएगा। रात के रात नहीं, दिन के दिन नहीं, घर में जोरू जाता सब छोड़ के साला गाड़ी चला रहा है, और क्या करेगा? कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो आदमी, हाँ, रात भर गाड़ी चलाता है, और कोई आके मोटरसाइकिल घुस जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे बचाएगा? ड्राइवर को जान से मार देता है, कहीं ड्राइवर को कहीं जान से मार देता है, कहीं चोर छेकता है, कहीं डकैत छेकता है, तो जाके साग सब्जी उपजाते हैं तो खाते हैं। ड्राइवरी कर रहे थे 60 साल, ड्राइवरी करके छोड़ दिया, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। हाँ, 10 लाख आदमी मर जाएगा तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है। किसके पास एक्सीडेंट नहीं होता, कहाँ पे नहीं, कहाँ नहीं होता है? अरे ये सब होते जाते आया है बराबर। और ये जो बात है अमित शाह और मोदी जी किए लागू किए ना, ये तो सैनिक जैसे जो बहाली जो 3 साल पहले हुआ था, इसी तरह कितना नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह इसमें भी झेलना पड़ेगा। इसे आप मोदी जी और हम अमित शाह से बोलना चाहते हैं, देश चलता है सिर्फ जवानों और ड्राइवरों से और एक किसानों से। अगर ड्राइवर को इस तरह मार देंगे ना आप लोग, तो बेचारा ड्राइवर करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा 10-10 हजार नौकरी के चलते। तो चलाओ आप सब ये मोदी, आप ये कानून आपस कर लीजिए, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरह सैनिक के लिए आप 3 साल पहले इस तरह हंगामा हुआ था ना, कितनों के नुकसान, कितना गाड़ी, कितना सब कुछ नुकसान हुआ, इसी तरह ये भी नुकसान होने वाला है। आप ये जल्दी आपस कर लीजिए, वरना बहुत नुकसान होने वाला है। थैंक यू, जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को आगे तक पहुँचें, वरना सारे ड्राइवरों के लिए ये दुखद चीज़ है। वरना आप जो करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।